श्री शंकराचार्य अस्पताल चुनवानी बिलाई। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गुरुवार रात बड़ा हादसा हो गया है। जिले के गंजबासौदा क्षेत्र में आने वाले लालपठार गांव में कुएं में गिरे बच्चे को बचाने के लिए जुटे ग्रामीण उस समय कुएं में गिर गए जब वे कुएं के स्लैब पर खड़े थे। इसी बीच कुएं का स्लैब धस गया। अभी यह तय नहीं है कि कितने ग्रामीण कुएं में गिरे थे। हालांकि इनमें से करीब 20 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। बचाव कार्य रात में भी जारी है। समस्या तब और बढ़ गई जब बचाव कार्य में लगा एक ट्रैक्टर भी कुएं में गिर गया। बताया जाता है कि गुरुवार की रात एक बच्चा पानी भरने के लिए कुएं पर गया था। बच्चा अचानक कुएं में गिर गया। इसकी खबर लगते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण कुएं पर जमा हो गए। कुएं को ढकने के लिए उस पर स्लैब पड़ा था और बीच के खुले हिस्से से ग्रामीण पानी भरते थे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के स्लैब पर चढ़ जाने के कारण वह धस गया और 30 से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए। ग्राम पंचायत स्वरूपनगर के सरपंच अमर सिंह के अनुसार कुएं में करीब 20 फीट पानी भरा है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने करीब 20 लोगों को निकाल लिया। बाकी को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर बचाव कार्य कर रही है। बाकी उपकरण जिनकी आवश्यकता है वो वहां पहुंचाए जा रहे हैं और अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता संख्या कितनी है, लेकिन घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी ताकत से प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में लगा है। बाकी जगह से सब भेजे जा रहे हैं और मैं भी इसी स्थान को मैंने कंट्रोल रूम बना लिया है और लगातार मैं सीधे राहत और बचाव कार्य के संपर्क में हूँ और बेहतर से बेहतर प्रयास करके हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, लोगों को पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। मैं अब इसी काम में लगा हूँ।